लास्ट वीक हम लोगों ने न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्टार्ट किया था। हमने स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला दिस इज पैकिंग फ्रैक्शन। और पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। पैकिंग फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये मास डिफेक्ट से या बाइंडिंग एनर्जी से कनेक्टेड है। डेफिनेशन क्या है पैकिंग फ्रैक्शन की, कि पैकिंग फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है, कि इट इज एक्चुअल एटॉमिक मास माइनस मास नंबर अपॉन मास नंबर इनटू 10^4। मैंने मास डिफेक्ट को डिफाइन करा था इस तरीके से कि डेल्टा एम क्या होता था, मास नंबर माइनस एक्चुअल मास, एक्चुअल एटॉमिक मास, दिस इज नोन एज मास डिफेक्ट। सो जो ये पैकिंग फ्रैक्शन है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इट इज व्हाट, माइनस डेल्टा एम मास डिफेक्ट अपॉन मास नंबर ए इंटू 10^4। ये इसका सिंपल फॉर्मूला है। सो व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन, इट इज एक्चुअल एटॉमिक मास माइनस मास नंबर अपॉन मास नंबर इंटू 10^4। और इन टर्म्स ऑफ मास डिफेक्ट, पैकिंग फ्रैक्शन को ऐसे डिफाइन करा जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एम अपॉन ए, ए इज व्हाट, मास नंबर इंटू 10^4। जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि न्यूक्लियन की पैकिंग किस तरह से है, और पैकिंग फ्रैक्शन इसी पैकिंग पैरामीटर को एक्सप्लेन करता है। जो ये पैकिंग फ्रैक्शन, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, और जीरो भी आ सकती है। जैसे हम जानते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट जो होती है, या एटॉमिक मास जो होता है, ये कार्बन 12 के मास पर डिपेंड करता है। तो C12 जो होता है, इसका पैकिंग फ्रैक्शन जीरो होता है। क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस होता है एटॉमिक स्केल पे, जो मैंने अभी बताया। और इसका जो एक्चुअल आइसोटोपिक मास होता है, ये भी 12 होता है, और मास नंबर जो होता है, ये भी 12 होता है। जो इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा, ये जीरो होता है। फिर इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि कुछ कंक्लूजन्स हैं डिपेंडिंग अपॉन वैल्यूज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। सो अगर पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू जीरो से कम आती है, नेगेटिव आती है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव बाइंडिंग एनर्जी रही होगी, पॉजिटिव मास डिफेक्ट रहा होगा, और इसका मतलब है एटम जो है वो स्टेबल होगा। तो इसको एक्सप्लेन मैं इस तरह से कर रहा हूँ। पैकिंग फ्रैक्शन को डिफाइन करा गया है एक्चुअल मास माइनस मास नंबर, या एटॉमिक मास नंबर डिवाइडेड बाय मास नंबर इनटू 10^4। दिस इज पैकिंग फ्रैक्शन। देन व्हाट इज मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट क्या होता है, अभी बताया मैंने, मास नंबर माइनस एक्चुअल मास। और पैकिंग फ्रैक्शन को इन टर्म्स ऑफ मास डिफेक्ट कैसे लिखा जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एम अपॉन मास नंबर, इसको मैं कैपिटल ई से लिख देता हूँ, इंटू 10^4। सो अब यहाँ पर जो अलग अलग न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का जो कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जो हमारा लास्ट लेक्चर लास्ट वीक में हुआ था, तो उसमें हमने देखा था कि वो न्यूक्लियाइड जिनका डेल्टा एम पॉजिटिव होता है, ऐसे न्यूक्लियाइड स्टेबल होता है, ये हमने देखा था। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि ऐसे न्यूक्लियाइड मास डिफेक्ट नेगेटिव होगा, वो अनस्टेबल होंगे या रेडियो एक्टिव होंगे। तो डेल्टा एम पॉजिटिव होगा तो न्यूक्लियाइड क्या होगा, स्टेबल होगा। डेल्टा एम नेगेटिव होगा तो न्यूक्लियाइड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अब इसी कंसेप्ट को हम एक्सटेंड कर रहे हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन जो है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस डेल्टा एम के। अगर मैं ये जो बाकी पैरामीटर है, यानी कि जो ये दूसरा पैरामीटर ए है, इसको मैं हटा दूं यहाँ से, और 10^-4 को हटा दूं, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है, ये नेगेटिव ऑफ मास डिफेक्ट के रिलेशन में होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर, और स्टेबिलिटी के लिए मैंने अभी क्या बताया कि डेल्टा एम क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि अगर न्यूक्लियाइड स्टेबिलिटी हो, स्टेबल होगा, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। स्टेबल न्यूक्लियाइड डेल्टा एम क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और पैकिंग फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा एम जब पॉजिटिव होता था, तो मैंने ये भी बताया था कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती थी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती थी। तो बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव हो या मास डिफेक्ट पॉजिटिव हो, इसका मतलब न्यूक्लियाइड स्टेबल होगा। और अभी जो पैकिंग फ्रैक्शन और मास डिफेक्ट में जो रिलेशन है, वो ये बता रहा है कि अगर, तो पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव होगा, और इसलिए स्टेबल न्यूक्लियाइड्स के लिए पैकिंग फ्रैक्शन को नेगेटिव होना पड़ेगा। सो ये पहला पॉइंट है। और इसी तरह से अगर हम अनस्टेबल या रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड्स के लिए देखेंगे, तो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड्स के लिए क्या होगा, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। क्या होगा कि उनके लिए मास डिफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। मास डिफेक्ट नेगेटिव होने का मतलब क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। और अगर मास डिफेक्ट नेगेटिव होगा, तो ऑब्वियस है कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक। सो यहाँ पर हमने इन टर्म्स ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन न्यूक्लियाइड्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करा है।
इस पे न्यूमेरिकल आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि जैसे कोई न्यूक्लियोइड आपको दे दिया और आपसे बोला कि भाई इसकी इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालो और ये बताओ कि ये स्टेबल होता है कि नहीं होता है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए। तो जैसा कि अभी मैंने बताया यहाँ पर कि पैकिंग फ्रैक्शन अगर लेस देन जीरो होगा, नेगेटिव होगा, तो न्यूक्लियोइड स्टेबल होगा, एटम स्टेबल होगा। और अगर पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव होगा, मोर देन जीरो मतलब पॉजिटिव होगा, तो न्यूक्लियोइड क्या हो जाएगा, एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और ये फैक्ट है कि सबसे ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो हाइड्रोजन के केस में होता है। मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन हाइड्रोजन का होता है और सबसे कम पैकिंग फ्रैक्शन किसका होता है, आयरन का होता है। देन ये पैकिंग फ्रैक्शन जो कॉन्सेप्ट था, ये बाइंडिंग एनर्जी जो इससे पहले हमने टॉपिक करा था या मास डिफेक्ट जो हमने टॉपिक करा था उससे कनेक्टेड था। अब हम एक नेक्स्ट थ्योरी देखने जा रहे हैं, दिस इज मीजोन थ्योरी। बेसिकली मीजोन थ्योरी युकावा ने दी थी और ये थ्योरी जो है रिलेट करती है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। मीजोन थ्योरी है, ये बेस्ड है पार्टिकल्स पे जिनको बोलते हैं मीजोन्स या पायोन्स। इनको इस तरह से प्रेजेंट करा जाता है, पाई जीरो, पाई नेगेटिव, पाई पॉजिटिव। और ये जो मीजोन्स होता है या पायोन्स होता है, इनकी वजह से न्यूक्लियॉन्स के बीच में न्यूक्लियर फोर्सेस एग्जिस्ट करती है। थ्योरी ये कहती है कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं, इनके बीच में क्या होता है, इन पार्टिकल्स का एक्सचेंज होता रहता है। जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में पाई नेगेटिव मीजोन का एक्सचेंज होता रहता है। तो ये पाई नेगेटिव मीजोन जो है, ये कभी न्यूट्रॉन के पास और कभी प्रोटॉन के पास मूव करता रहता है। तो ये जो पाई नेगेटिव दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या करता है, घूमता रहता है या इसका ट्रांसफर होता रहता है, कभी न्यूट्रॉन से प्रोटॉन, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन। और जिसकी वजह से ये दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं, ये बाउंडेड हो जाते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से जो प्रोटॉन होता है, ये दूसरे प्रोटॉन से बाउंडेड होता है थ्रू पाई जीरो मीजोन। तो होता क्या है कि एक प्रोटॉन है और ये कोई दूसरा प्रोटॉन है, तो इनके बीच में ये जो पाई जीरो मीजोन है, ये कभी इधर इसके पास और कभी इसके पास मूव कर रहा है। तो ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते और ये आपस में क्या रह जाते हैं, एक एक पेयर की तरह या एक मतलब एक ग्रुप की तरह एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने जो पहला स्टेबिलिटी का रीजन देखा था, उसमें भी हमने ये देखा था कि न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ये पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो उसका जो रीजन है वो यहां से निकल के आ रहा है कि एक्चुअली इनके बीच में कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें मीजोन्स या पायोन्स बोलते हैं, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये दोनों जो न्यूक्लियॉन्स हैं इनको बाउंड करके रखते हैं, और यही जो पार्टिकल्स होते हैं यही रीजन होते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस का। सो न्यूक्लियर फोर्सेस जो है, न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्सेस होती है न्यूक्लियॉन्स के बीच में, इन फोर्सेस का रीजन क्या है, ये पार्टिकल्स। तो ये जो थ्योरी थी, ये युकावा ने दी थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, डिफरेंट न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर हेल्ड टूगेदर बाय वेरी रैपिड एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स नोन एज पाई मीजोन्स। अब ये थ्योरी किस बात पे बेस्ड है कि कुछ पार्टिकल्स हैं जिन्हें पाई मीजोन्स बोला जाता है और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, और जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स दूर नहीं जा पाते और बाउंडेड रहते हैं। और ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, ये क्यों एक्ट करती है, क्योंकि जो ये पार्टिकल्स हैं इनका रैपिड एक्सचेंज हो रहा होता है बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, और क्योंकि ये एक्सचेंज की वजह से फोर्स जनरेट हो रही है, इसलिए इस फोर्स को एक्सचेंज फोर्स भी बोला जाता है। देन ये जो बाइंडिंग फोर्स ओरिजिनेट हुई है, ये क्यों ओरिजिनेट हुई है, क्योंकि ये पार्टिकल जो है आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, और जिसकी वजह से प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी आपस में क्या कर पा रहे हैं, एक तरह से ग्रुप बना पा रहे हैं, एक सेट बना पा रहे हैं। अब इसके बाद हम लास्ट कंसेप्ट है न्यूक्लियर शेल मॉडल और थ्योरी, इसको देखने जा रहे हैं। तो ये थ्योरी जो है एक मतलब एक कंसेप्ट है जो ये कंसिडर करता है कि जिस तरह से एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में होते हैं, उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर भी अलग अलग जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑल्सो हैज डेफिनेट एनर्जी लेवल्स। न्यूक्लियस में भी क्या होते हैं, डेफिनेट एनर्जी लेवल्स होते हैं, एंड ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, ये एक तरह से मतलब शेल्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, और एक डेफिनेट पीरियोडिसिटी जो होती है वो एग्जिस्ट करती है। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि एलिमेंट्स विद इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये मोर अबंडेंट स्टेबल होते हैं। अबंडेंट मतलब ये होते भी ज्यादा है और स्टेबल भी होते हैं। और ऐसे एलिमेंट जिनमें एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये ऑड होता है, ऐसे एलिमेंट्स लेस अबंडेंट होते हैं, कम होते हैं,
और अगर होते भी हैं तो ज्यादातर उसमें अनस्टेबल। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि एलिमेंट्स में टेंडेंसी होती है कि उनमें इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हो, और जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी तरह से न्यूक्लियॉन्स भी क्या करते हैं, पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये देखा जाता है कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, 126 प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये जो नंबर है 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 इनको मैजिक नंबर बोला जाता है, और ये डिफाइन करते हैं कि न्यूक्लियस को स्टेबल होने के लिए कितने न्यूक्लियॉन्स चाहिए होंगे या उनके एनर्जी लेवल्स में किस तरह से न्यूक्लियॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा होगा। देन न्यूक्लियॉन्स होते हैं ये अरेंज होते हैं न्यूक्लियस में अलग अलग सेल्स में एज 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स विथ पेयर्ड स्पिन्स। इनकी स्पिन भी यहाँ पे मैटर करती है, मतलब इनकी स्पिन पेयर्ड होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन की पेयर्ड स्पिन होती है उसी तरह से न्यूक्लियॉन्स की भी पेयर्ड स्पिन होती है अपने अपने शेल्स में। देन जो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लिया है जैसे कि Hg2, 4, O8, 16, C8, 20, 40, Pb82, 208, इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं ये रिस्पेक्टिवली इस तरह से 2, 8, 20, 82, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो है 2, 8, 20, 126। ये सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाइड्स हैं जो मैंने यहाँ प्रेजेंट करे, तो इसलिए जो मैजिक नंबर है ये प्रोटॉन के लिए और न्यूट्रॉन्स के लिए ये मैंने स्पेसिफाई करा है यहाँ पर। अगर हम देखें यहाँ पे प्रोटॉन के लिए वैल्यू क्या है, 2, 8, 20, 28, 50, 84, 114, और न्यूट्रॉन्स के लिए मैजिक नंबर क्या है, 2, 8, 20, 28, 50, 126। 50 तक तो आप देखो दोनों में सेम है बिल्कुल, प्रोटॉन के लिए और न्यूट्रॉन के लिए। 50 के बाद न्यूट्रॉन्स में जो नेक्स्ट नंबर है वो 126 है, देन 184, देन 196 है, जबकि प्रोटॉन्स में ये वैल्यू है 84 और 114। सो ये नंबर्स हमें ध्यान में रखने हैं और इस पे हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल सकता है। सो जो अलग अलग न्यूक्लियॉन्स होते हैं, कौन से न्यूक्लियॉन्स स्टेबल होंगे जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन मैजिक नंबर के बराबर होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इस मैजिक नंबर के बराबर होंगे, और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ये पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। थैंक यू।